गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, एक एजुकेशनल ट्रिप है हमारे कॉलेज की तरफ से, तो वहां चलते हैं, आपको दिखाएंगे। पहले यहां का आप व्यू देखिए, कितने सारे लड़के आए हुए हैं, छात्र हैं सभी, मेरे कॉलेज और मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैं। तो सभी भाई लोगों को मैं दिखाता हूँ, और देखिए आप लोग देखिए मेले जैसा यहाँ पे अटेंडेंस हो रही है सभी लोगों की। सभी छात्र पहले अटेंडेंस करेंगे, इसके बाद सभी लोग बसेस रेडी हो चुकी हैं, तो बस से हम लोग निकलेंगे एजुकेशनल ट्रिप के लिए। तो आज ZKST फार्मेसी की तरफ से एजुकेशनल ट्रिप एक रखी गई थी, तो उसके लिए सभी लोग चल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ पहले व्यू यहाँ से बाहर का। एजुकेशनल ट्रिप के लिए देखिए कितने सारे बच्चे जो है इकट्ठे हुए, और हमारे भाई सभी लोग जो है देखिए सभी लोग अब बस में जा रहे हैं। और दिनेश भाई कैसे हैं? बढ़िया है भाई, आगे देखिए पार्टी जी के ब्लॉग्स, नंबर 1 ब्लॉग। सभी लोग देखिए अटेंडेंस लगाने के बाद सभी लोग बस में जा रहे हैं। कितनी बसेस चल रही हैं? दो बसेस। हमारे विशाल सर जो मैं फार्मेसी पढ़ाते थे सर, हम लोग PFRI जा रहे हैं। यस सर, ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यस सर, वहाँ पर इकोलॉजिकल और जो फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया का जो फॉरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, यस सर, उनको सॉल्व किया जाता है। और लगभग 8 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें से एक जबलपुर में है। यस सर, उसको हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए हम लोग चलते हैं बस की ओर, और आगे दिखाते हैं ब्लॉग में। जुड़े रहिएगा ब्लॉग में, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। सूरज भाई लोग सभी लोग सिटिंग एरिया पे अपने अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। अब वो चाहे हर्ब्स हो, श्रब्स हो या ट्री हो, इन सब पर हमारा लोग और अधिकतर हमारा फोकस होता है मेडिसिनल प्लांट पर। जैसे आप लोग फार्मेसी वाले, और फार्मेसी का मतलब माइंडसेट रहता है मेडिसिन पर, है ना। और आप लोग पढ़ते भी होंगे कि कई प्रकार के आपको फॉर्मुलेशन मिलते होंगे, है ना। अब मेनली आप लोग HPLC पर आपके चल रहा है कि ये चीज देखना है उनको कि लोग मतलब आप जितना भी फॉर्मुलेशन लोगे अब उसमें क्या कंटेंट है ये पता करने के लिए करते हैं, है ना। HPLC और HPLC का यूज होता है सेपरेशन के लिए, है ना, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप क्वालिटी भी कर सकते हैं, क्वांटिटी भी देख सकते हैं, है ना भाई। दशमलव है या आपका कोई भी फार्मूला मान लो कोई चूर्ण है, उसमें क्या है, क्या कैसे आप उसको सेपरेट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके अंदर उपस्थित एक्टिव इंग्रेडिएंट को, जिसके कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, है ना। वो तो चूर्ण होता है, कुछ भी कितना भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर भी तत्व होगा। हम जो पैरासिटामॉल एक छोटा खा लिया पूरा ठीक हो जाता है, लेकिन हम कई प्रकार के मतलब काढ़ा पी रहे हैं, दिन में 3 बार पियेंगे तब थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, है ना। तो वहाँ क्वांटिटी ज्यादा लगती है, जहाँ पे जब हम उसकी क्वालिटी पता कर लेते हैं किसी मेडिसिनल प्लांट में और उस मेडिसिन को सेपरेट कर लेते हैं, तो हम कुछ ही पल में ठीक हो जाते हैं। तो ये संभव होता है उस मेडिसिनल प्लांट से सेपरेशन होने के बाद। अब हम सेपरेशन कैसे, है ना, जो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है एक एक चीज पर बोलने के लिए, मैडम लोग तो आपको एक एक चीज को खाते हैं, है ना। तो कई चीजें ऐसी होती है कि ट्रीटमेंट आपको बाद में दिखा दूंगा। हाँ, ये लिक्विड कुछ लगा है, इसी को ध्यान समझा देता हूँ, है ना। ये HPLC का काम है, गुड़मार नाम, गुड़मार सुनो ना, गुड़मार, है ना। जिसको अगर खाएंगे तो खाने के बाद में उसके अगर पत्ती खा लिया, पत्ती
पहले आपको टेस्ट नहीं आता है ना, एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज इसके अंदर होती है और अधिकतर लोग एक्टिविटियों को दे रहे हैं। जितने भी आप मतलब बाबा रामदेव के उनके पास भी जाओगे ना, तो उसके छोटे छोटे ये गुरुमार पत्तियों का पाउडर बना होता है, उसको एंटी डायबिटिक भी यूज करते हैं। अब क्या करते हैं अधिकतर मतलब कंपनियां क्या करती है, फॉर्मुलेशन बना लेती है। अब एक चीज देंगे तो एक को आप कुछ भी खाओगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो कम से कम 5-10 स्पीसीज को मिक्स करके आपको देती है ना। तो ये देखो इसमें देख रहे हो आप एक ग्राफ दिख रहा है ना, एक पीक दिख रही पीक, तो पीक में आप देख रहे हैं कि वो पीक जो आई है वो सेपरेट हुई है। उस प्लांट में उस पाउडर में बहुत सारा कुछ भी आइटम रहा होगा, उसको हमने ऐसे सेपरेट किया, उसके आजू बाजू कोई दूसरी पीक नहीं दिखती है। तो ये HPLC का काम है, ये ऐसा सेपरेट कर देता है, आपको जो चीज चाहिए होती है उसको सेपरेट कर देता है, उसको आप ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, उनको एक्सट्रैक्ट करने की कई टेक्निक्स होती है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे भिगो दिया और उसको फिल्टर कर लिया, ये भी एक टेक्निक है ना। ओवरनाइट रख दिया आपने, उसको फिल्टर किया, एक्सट्रैक्ट मिल गया आपको, तो क्या हुआ आपको कुछ मिल गया है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, उनको हमको व्यू देना होता है, उसको गर्म करना होता है, उस मेथड को हम कहते हैं रिफ्लक्स। रिफ्लक्स इसको 2 घंटे में अपना बॉन्ड तोड़ता है ना, केमिस्ट्री के लिमिट में, ज्यादा केमिस्ट्री में भी नहीं जा रहा हूँ, और भी बता रहा हूँ मुझे बहुत सारी कैसे बताऊँ ना, तो उसको बोलते हैं रिफ्लक्स है ना। और नहीं टूटता है, और कोई चीज ऐसी होती है तो हम सॉल्वेंट अप्लाई करते हैं, और भी नहीं टूटेगा तो हम क्या करेंगे, और एक मेथड होती है सोनिकेटर, सोनिकेट वेव्स को आप अप्लाई करते हो, तो हम ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे मतलब बॉन्ड को अपना मतलब आइसोलेट कैसे करेगा, उस पाउडर में से अलग कैसे होगा, तो हम यहाँ से